कैसी है मेरी जान, क्या चल रहा है? क्यों आए हो तुम? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। सॉरी मेरी जान, सफर की वजह से थक गया था, इसीलिए मिलने के लिए नहीं आ पाया। माफ कर दो ना। मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। अरे जानू, सॉरी यार, प्लीज बैठ जाओ ना। आई लव यू यार। इस चॉकलेट में क्या है मुझे पता नहीं है। इसके खाते ही तुम पूरी दुनिया को भूल जाती हो। अरे बाप रे, कम से कम अभी तो खुश हो जाओ, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि मेरे पास और चॉकलेट नहीं है। मुझे और चॉकलेट चाहिए भी नहीं। अच्छा जानू, मुझे किस दो ना। अभी ये सब नहीं, देर हो रही है, अब चलो। फिर से अपना राग अलापना शुरू कर दिए, क्या बात है बोलो। मंदिर बनाने का सारा काम मुझे देना पड़ेगा आपको। सिद्धा भाई, इस बारे में आप क्या जानते हो बताओ। अरे वो सब बातें छोड़ो, तुम मंदिर का काम मुझे दोगे या नहीं ये बताओ पहले। सिद्धा भाई, बार बार दिमाग खराब करने वाली बात मत किया करो। थोड़े पैसे खर्च होंगे तो कोई बात नहीं, किसी अच्छे इंजीनियर से प्लान बनवाकर हमारे गाँव के मंदिर को अच्छे ढंग से बनवाएंगे और एक बढ़िया कार्यक्रम भी रखेंगे। हर काम में बार बार परेशानी मत खड़ी करो। देखो चंद्रा भाई, आप सिर्फ अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं जा रहा हूं। छे, जब देखो हर काम में अड़चन डालते हैं। गांव में कोई भी अच्छा काम करने की बात करो तो यह अपना ही राग अलापता है। क्या बात है बेटी, आज पौधों के लिए क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हो? पापा, सूर्यमुखी फूल को उगाने के लिए प्लान किया है मैंने। देखो बेटी, तुम जो चाहो वो करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। ठीक है पापा। बाप बेटी मिलकर क्या प्लानिंग चल रही है? देखो ना पापा, माँ मजाक उड़ा रही है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बेटी। तुम्हारी माँ तो सातवीं क्लास में फेल हुई है, एसएससी पास है ऐसा झूठ बोलकर मुझसे शादी कर ली। इसमें कोई कमी नहीं है। क्या कर सकते हैं, जवान उम्र थी ना, मैं भी फंस गया। ओहो बेचारी। फिर भी मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है ना, वो वेस्ट नहीं गया।
दो बच्चों की माँ होने के बावजूद देखना अभी भी कितनी सुंदर है। इसी में मैं बहुत खुश हूँ। आप चुप रहिए, बहुत हो चुका। मैं इतनी सुंदर थी उसके बाद भी आपसे शादी की मैंने। आप ही तो मेरे पिताजी के पास आकर दिन में चार बार बोलते थे कि शादी करा दो, शादी करा दो। तब तो बहुत अच्छी लगती थी ना मैं आपको। सब लोग जानते हैं आप दोनों ने बचपन में ही शादी कर ली थी। दो बच्चे होने के बाद भी आप दोनों बहुत यंग लगते हैं। माँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पापा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है ना पापा, ओके है ना? बेटी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, इसको सपोर्ट करो ना। तुम दोनों को कोई काम धंधा नहीं है तो क्या मेरे पास भी कोई काम नहीं है? तुम्हारा जो मन करे करो। देखो ना पापा, माँ हमेशा ऐसा ही करती हैं। जाने दो बेटी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। तुम जरा भी मत घबराना, तुम अपनी कोशिश जारी रखो। थैंक यू पापा। ठीक है। पापा, माँ देखो मैंने इस पौधे को बड़ा किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तुमने इसे बड़ा किया है क्या? बोलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मम्मी? हाँ बेटा, हम सब लोग अच्छे हैं। मैं जल्दी ही गाँव आने वाला हूँ। अच्छा, गाँव आ रहे हो क्या? ठीक है, अच्छा है, आ जाओ। पापा और बहन कैसे हैं? बाप बेटी मिलकर मुझे बहुत तंग करते हैं, तुम आ जाओ। ठीक है मम्मी, आके देखता हूँ। कल बस स्टॉप पर मंजा को भेजती हूँ। सुनिए, कल हमारा बेटा आ रहा है ना, तो जरा खुशी से तो बोलिए ना। माँ कल भैया आ रहे हैं। हाँ बेटी, मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ। उसके आने की खुशी मनाना अच्छी बात है, अभी मुझे जोर की भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। चलिए। सुनो यार, गांव आने के बाद दिल को अलग ही सुकून मिलता है ना। लगता है तू भी बेंगलोर का पानी पी के परेशान हो गया है। क्या कर सकते हैं यार, सब किस्मत में लिखा है। हमारे गांव में तो कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है, यहाँ तो बिना पढ़ाई के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो फिर से बेंगलोर जाना है क्या? बेंगलोर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फॉरेन जाकर पढ़ाई करने का प्लान कर रहा हूँ। क्या तुम फॉरेन जा रहे हो? तो बेंगलोर से आकर गाँव में जिंदगी नर्क कर दूँ? भाई गांव के बारे में ऐसी बातें मत करो। भाई देखो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, गांव के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना, बस इतना ही। क्या इसका क्या मतलब है? अरे यार तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती, इसके लिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। क्या कर सकते हैं भाई, उस समय थोड़ा अतरंगी था, जिस समय पढ़ना था उस समय पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ये हायर एजुकेशन क्या यार? वो सब सीखने का अभी ट्राई मत करो, अब चलो। चलो भाई ठीक है। Yeah.
माँ, हरि प्रेम, कैसे हो बेटा? कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ माँ, ये बताओ तुम कैसी हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? कैसे हो बेटा? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ पापा। खुश रहो, सफर कैसा रहा? अच्छा था पापा। ठीक रहा ना? चाय दो प्रेम को। ये लो बेटा, कॉफी पियो। अभी ये सफर से थका हारा आया है, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। अभी बस कॉफी दिया है, नाश्ता अच्छा, तैयार कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी स्नान करके आता हूँ, साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है, तुम भी तैयार। जल्दी से स्नान करके आइए, मैं आती हूँ। अच्छा माँ, बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो यहाँ कहाँ रहती है बेटा? 24 घंटा उस ग्रीन हाउस में पड़ी रहती है, वो यहाँ कैसे आएगी? अच्छा ऐसा है, तो उसे घर छोड़कर वहीं रहने के लिए हाँ, बोलो। वहीं रहती है। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आया। हाँ हाँ ठीक है। ए प्रिया। भैया, आप कब आए भैया? मुझे आए बहुत टाइम हो गया। क्या बात है, तुम यहीं पर सेटल हो गई हो? अरे कुछ नहीं, कॉलेज से प्रैक्टिकल करने के लिए मिला है, वही कर रही हूँ। बहुत टफ है। ये सब तो ठीक है, लेकिन भैया आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मेरे आते ही तुम्हें गिफ्ट की पड़ी है क्या? मुझे चाहिए तो चाहिए, भाई होते किस लिए हैं? बहन को कुछ नहीं दे सकते क्या? ठीक है, मैं देता हूँ। चलो माँ नाश्ता तैयार कर रही है, चलो नाश्ता करते हैं। कैसी है मेरी जान, क्या चल रहा है? क्यों आए हो तुम?
मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। क्या? मैंने क्या किया दीपा? इतनी गुस्से में क्यों हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, मैं हमेशा गुस्से में ही रहती हूँ, अब क्या है बोलो। अरे मेरी माँ, ऐसा क्या हुआ है बताओगी? पहले तुम हमेशा मुझसे मिलने आते थे, लेकिन आज। अरे दीपा, हमेशा मैं तुमसे मिलने के लिए पहले आता हूँ, इस बार भी पहले तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, तुम गांव में कब आए मुझे सब पता है, सच कहा ना। सॉरी मेरी जान, सफर की वजह से थक गया था, इसीलिए मिलने के लिए नहीं आ पाए, माफ कर दो ना। मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। अरे जानू, सॉरी यार, प्लीज बैठ जाओ ना। आई लव यू यार। इस चॉकलेट में क्या है मुझे पता नहीं है, इसके खाते ही तुम पूरी दुनिया को भूल जाती हो। अरे बाप रे, कम से कम अभी तो खुश हो जाओ, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि मेरे पास और चॉकलेट नहीं है। मुझे और चॉकलेट चाहिए भी नहीं। अच्छा जानू, मुझे किस दो ना। अभी ये सब नहीं, देर हो रही है, अब चलो।
बेटा। पापा आइए बैठिए। क्या पढ़ रहे हो? बस बुक पढ़ रहा हूँ। अगर फ्री हो तो कुछ बात करनी है। हाँ पापा बोलिए। तुम अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव आए हो, यहाँ तुमको कोई समस्या नहीं है ना? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये हमारा गांव है, परेशानी की क्या बात है? वो सब छोड़ो, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, गांव में क्या समस्या हो सकती है? हाँ पापा। अच्छा पापा, आप कुछ बोलने वाले थे। हाँ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आगे का क्या सोचा है? अभी क्या पापा, डिग्री हो गई है तो फॉरेन जाकर एमएस करने का प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको बताने ही वाला था, इतने में आपने सामने से पूछ लिया, इसीलिए बताया। क्या एमएस करने के लिए फॉरेन जाने की सोच रहे हो? क्या हुआ पापा, आपको पसंद नहीं है? पसंद ना पसंद की बात नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, तुम पढ़ो। ठीक है पापा। अरे आप अब तक क्यों जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ बस यूं ही, नींद नहीं आ रही है। बेटे से कुछ बात हुई है क्या? मैंने उससे बात की, वो एमएस करने के लिए फॉरेन जाने की सोच रहा है। तो जाने दो ना, करने दो उसे पढ़ाई। देखो शशि, तुम भी जानती हो, मेरे पिताजी, मेरे दादा, परदादा सब आर्मी में थे और देश सेवा करते थे, और यहाँ दुर्भाग्यवश मुझे आर्मी में जाने का मौका नहीं मिला। मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम मेरा बेटा आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उसकी इच्छा तो एमएस वीमएस करने की है, तो मैं क्या बोलूँ? उसे भी तो पसंद आना चाहिए ना ये सब। बचपन से ही उसे हम सिखाते आ रहे हैं कि देश की सेवा करो, देश की सेवा करो। पहले वो हाँ बोल रहा था, लेकिन अभी वो बदल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझाऊंगी। वो क्या चाहता है हम पूछेंगे उससे, अभी सोते हैं, ठीक है? चलिए। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मेरे बाप दादा ने आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा की, मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर सका। मैंने सोचा था कि कम से कम मेरा बेटा तो आर्मी ज्वाइन करेगा, लेकिन ये तो कुछ और ही सोच रहा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? बाहर क्यों खड़े हो? कोई देख लेगा तो उसे शक होगा तुम पर। ठीक है, चलो अंदर। सिगरेट और दारू है ना आपके पास? हाँ हाँ है मेरे पास। अच्छा दीपा, तुम भी खाओ ना। नहीं, मेरा मन है बस तुम्हें खाते हुए देखूं। लो खाओ। सच में दर्द हो रहा है क्या?
क्या बात है जानू, पसंद नहीं है क्या? मैं क्या करूं दीपा, तुम्हारी उंगलियां ही इतनी नाजुक है, इसीलिए काटने को दिल करता है। ओह, तुम्हारा दिल ऐसा कह रहा है, तो चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। अच्छा तुमसे एक बात कहूँ, आज कम से कम किस हो जाए। ए, तुम जरा दूर ही रहो मुझसे। क्या हुआ दीपा, मेरे छूने से इतना डर लगता है? मैं कोई गैर आदमी हूँ क्या? दोनों बचपन से प्यार करते हैं और तुम्हें पता ये बात सारा गांव जानता है, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम समझ गई ना दीपा? डरने की बात नहीं है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर शादी होने तक हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है जानू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैंने आज क्या कर दिया, थोड़ी सी उंगली तो काटी है। इतने सालों का प्यार है हमारा, मैंने एक बार भी तुम्हें हग नहीं किया, ना ही अच्छे से किस किया। जब भी पूछता हूँ तो मना कर देती हो, शादी की सलाह देती रहती हो। अच्छा ठीक है, तुम किस करना चाहते हो ना? हाँ जानू। देखो बेटा, तुम्हें एमएस करने के लिए फॉरेन जाना जरूरी है। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या? परेशानी की बात नहीं है बेटा, लेकिन तुम हमेशा एमएस करने के लिए फॉरेन फॉरेन करते रहते हो, और तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम आर्मी ज्वाइन करो। अब हम क्या करें?
अरे माँ, आप लोग डिसाइड करेंगे तो कैसा चलेगा? उसमें मेरी भी पसंद होनी चाहिए, मुझसे भी पूछना चाहिए। अरे बेटा, मैं तुम्हें बचपन से कहते आ रहा हूँ कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है, देश की सेवा करनी है। पहले तो तुम खुशी खुशी मान जाते थे, अब क्या हो गया? अरे पापा, आप तो एकदम ही सीरियस हो गए। देखो बेटा, हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, इसी धरती पर जी रहे हैं, इस धरती के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए आर्मी में जाना जरूरी है? कोई और काम करने से नहीं होगा क्या? देखो, तुम क्या करोगे क्या छोड़ोगे मैं नहीं जानता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने दादा परदादा की तरह आर्मी ज्वाइन कर लो और देश की सेवा करो, बस इतना ही चाहता हूँ। पापा प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो कब का समझ चुका हूँ, तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है। देखो बेटा, तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए। कोई भी बाप अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता है। अपने पिताजी को समझो। भैया, भैया। अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मन में है वो करो। कैसे समझाओ इन लोगों को? कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैसे समझाओ इन लोगों को? कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो तुम? कुछ नहीं दीपा, बस ऐसे ही बैठा था। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताओ, तुम मुझे क्या पूछने वाली हो? कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं। अरे दीपा, गुस्सा मत करो प्लीज, प्लीज। ठीक है, ये सब छोड़ो, बताओ कि तुम परेशान क्यों हो? वो क्या है ना, घर में पापा। देखो बेटा, हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, इसी धरती पर जी रहे हैं, इस धरती के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आर्मी में जाना जरूरी है? देखो, तुम क्या करोगे क्या छोड़ोगे मैं नहीं जानता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने दादा परदादा की तरह आर्मी ज्वाइन कर लो और देश की सेवा करो, बस इतना ही चाहता। पापा प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो कब का समझ चुका हूँ, तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है। इतना सब कुछ हो गया, अब मुझे क्या करना होगा? मेरे मन में भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, और पापा को देखो आर्मी ज्वाइन करो बोल रहे हैं। देखो प्रेम, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि बच्चों को अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वैसे भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करते हैं। तुम भी जो बोल रही हो वो सब ठीक है जानू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? उनसे ज्यादा मेरी ख्वाहिशें हैं। घर जाने के बाद पापा को कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ। देखो प्रेम, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। और हाँ एक बात, तुम जो भी करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, याद रखना। भैया, शहर जा रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? अगर शहर जा रहे हैं तो मेरे पौधे के लिए खाद लेकर आएंगे। ए, सुनो, तुम्हें और पापा को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब यही बातें। ऐसा क्या कह दिया कि आप इतना चिल्ला रहे हैं? शहर जा रहे हैं तो खाद लाने के लिए कहा है, पापा के पास काम है और मेरे पास मैं भी। सिटी में नहीं जा रहा हूँ, पापा से कह दो। पापा, मैं आपको छोड़ दूं? कोई बात नहीं, पैदल चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। पापा, पापा।
पापा मैं कुछ मदद करूं? नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ पैर में मिट्टी लग जाएगी, क्योंकि तुम फॉरेन जाने वाले हो ना, ये सब काम तुम मत करो। क्या बात है चंद्र भाई, कहाँ जा रहे हैं? रोहित भाई ग्राम पंचायत में गया था। अच्छा, वहीं से लौट कर आ रहा हूँ। क्या बात है, पहले की तरह खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात है क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो अच्छा हूँ। वैसे मुझे पता है चंद्र भाई, आप अपने बेटे को आर्मी में ज्वाइन करवाने के सपने देखते थे, लेकिन वो तो विदेश जाने के सपने देख रहा है। लगता है इसी वजह से आप परेशान हैं। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? क्या कर सकते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, उन्हें जो काम पसंद आता है वही करते हैं। हम लोगों को भी उनकी मर्जी के ऊपर उन्हें छोड़ देना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है जी। Cheers. देखिए सर, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, अपने बॉस से बात करके पैसे बढ़ाइए ना। ठीक है, सुनिए, पैसों को लेकर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, समझ गए आप? आपके जितने भी पैसे हैं सबका सेटलमेंट अच्छे से करके जाऊंगा मैं यहां से, ठीक है ना? हाँ, उठाइए। देखिए सर, इन लड़कों को समझा दीजिए, बाहर खड़े ना रहे, इनकी वजह से लोग मुझ पर शक करेंगे। इन्हें समझा दीजिए कि ऐसा कोई काम ना करे कि लोगों की नजरों में आए। देखिए भाई साहब, मेरे लड़कों के बारे में टेंशन मत लीजिए, इन्हें मैंने सब कुछ समझा दिया है। एक बात और, आपके घर में एक पार्सल आएगा, उसे आप यहाँ पे ला करके मुझे दे दीजिएगा, ठीक है ना? ओके ओके, अभी आप जा सकते हैं। अगली बार से तुम में से कोई भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। स्वामी आप जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं निकलता हूँ सर। मैं क्या करूं? ठीक है, अब क्या करें? मेरा फॉरेन जाकर रहना तुम्हें पसंद नहीं है, तुमसे शादी करके यहीं सेटल हो जाऊं? ये सब तुम्हें बताने का दिल क्या इसलिए बता दिया? और क्या, तुम यहाँ शादी की बात कर रही हो, वहाँ पापा आर्मी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, मैं कहाँ जाकर मरूं? तुम टेंशन मत लो प्रेम। अब कुछ भी मत बोलो, मुझे अकेला छोड़ दो, बस इतना ही। मतलब मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ ना? हाँ ऐसा ही है, अब क्या होगा? ठीक है तो मैं जाती हूँ। अच्छा दीपू, दीपू सुनो दीपू, हुँ।
सुनिए, ये लीजिए, चाय पीजिए। या यू कैन कम टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात माँ? पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिया था, कल मेरा वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया है? पता नहीं, जब भी तुम फॉरेन का नाम लेते हो पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों माँ? पापा को मेरा फॉरेन जाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम क्यों ऐसा कर रही हो? सुनो बेटा, तुम कुछ भी समझो पर तुम्हारे पापा इस बात को लेकर परेशान हो गए हैं। माँ, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा, तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम्हारे पापा को तुम्हें फॉरेन भेजना पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा हमेशा साथ रहकर प्यार बांटते हैं, इतना ही काफी है। वैसे तुम हमारे बेटे हो और एक बेटा होने के नाते माँ बाप के ख्वाहिशों को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी बातों को जरा भी समझने की कोशिश करो। देखो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी तुम्हें जो करना है तुम करो। सुनील जी, आप इस तरह दुखी होकर बैठेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, बताइए जरा। सुनिए, कुछ तो बात कीजिए ना। अब मैं क्या बोलूं शशि, हमारा बेटा पढ़ाई पूरी करके आया है। मैंने सोचा था कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा और हमारी ख्वाहिश को पूरी करेगा, लेकिन उसने तो हमारी आशा पर पानी फेर दिया। जाने दीजिए, छोड़िए उसे, उसकी जो ख्वाहिशें करने दीजिए, हम क्या करेंगे? हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। सुनिए, कुछ भी करके एक और बार उससे बात कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ आपको? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा बाम लगा दो। ठीक है, लेके आती हूँ। पापा, अकेले क्यों खड़े हो? क्या करूं बेटा, जिंदगी में अकेला पड़ गया हूं, इसीलिए खड़ा हूं। क्या हो गया पापा, जब से मैं शहर से आया हूं आपका बर्ताव कुछ अलग सा ही लग रहा है मुझे। आप किसी से भी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरा चेहरा देखकर भी बात नहीं करते हो। पापा, आप कौन सी गहरी सोच में पड़े हो पापा? सारी खुशियां तो हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इतने प्यार से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस उम्मीद में था कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन मैं मायूस हो गया। नहीं पापा, और माँ बाप को देखा जाए तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा फॉरेन जाकर सेटल हो जाए, लेकिन आप लोगों को देखो, आप लोग तो ये बोलते हैं कि जाओ जाकर आर्मी ज्वाइन कर लो। क्या मेरी इच्छाओं का कोई मतलब नहीं है पापा? देखो, मुझे किसी और के बारे में चिंता नहीं है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं देश की सेवा करूं, लेकिन नहीं कर पाया। कम से कम मेरा बेटा देश की सेवा करेगा, यही सोचा था, लेकिन तुमने तो मेरी ख्वाहिश ही मार दी। अच्छा सुनो पापा, मेरी बस यही इच्छा है MS कंप्लीट करके जॉब करूं, और वहां सेटल होने के बाद आप सबको वहां बुलाओ। मेरे गांव और देश के बारे में बात करने की काबिलियत तुम्हारी नहीं है। मेरे गांव ने और देश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरी दुनिया को एक तरफ करके और हमारे देश को एक तरफ रख के तुम हमारे देश का इतिहास देखो, दूसरे देश का ऐसा नहीं है। तुम जो फॉरेन जाने की बात कर रहे हो ना, वहां की सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं है। वहां जाकर क्या तुम एक भिखारी की तरह जिंदगी जीना चाहते हो? पापा, यही आपका आखिरी फैसला है? मैं 10 बार बोलूंगा तो भी यही फैसला है, मैं बदलूंगा नहीं। मैं भी आपका बेटा हूँ, आप जैसा करोगे मैं भी वैसा ही करूंगा, मैं भी फैसला नहीं बदलूंगा।
गुरु 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 रुगो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ दोस्त, पिए हो क्या? लेकिन गुरु मैं फुल स्टडी में हूँ। ठीक है चलेगा, कल मिलता हूँ, कल बात करेंगे, ठीक है? नहीं गुरु, मुझे आज ही बात करनी है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, समझा? देखो यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कल मिलता हूँ ना, कल मिलता हूँ। नहीं गुरु, फ्रेंडशिप का मतलब यही है क्या? अगर कल मिलना चाहते तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन, बस इतना ही। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैंने कहा ना तुमसे कल मिलता हूँ। गुरु, उस धोखेबाज ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अरे यार, मैं उसे काट डालूंगा। मैंने कहा ना तुमसे कल बात करेंगे। गुरु, मुझे मारने वाले हो क्या? जाओ, ठीक है ठीक है। लड़की धोखा देती है, कोई कुछ भी करता है यार, ये तो लड़की की तरह दिख रही है। अरे ये रोड स्लिप हो रही है लगता है, बारिश हुई है, पूरा रास्ता भीगा हुआ है, इसलिए स्लिप हो रही है। अरे एक नब्बे पिया होता तो अच्छा रहता, पूरा नशा उतर गया, साली ने मुझे धोखा दिया। तू सुनो ना, भाई को फोन करो और जल्दी आने के लिए बोलो। माँ, भैया आ गए। माँ? बेटा। माँ इतनी घबराई हुई क्यों? बेटा तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे इसमें डरने की क्या बात है, फोन कर लेते हैं ना। मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। अरे उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। बच्चे बहुत डर लग रहा है मुझे। भैया आप जल्दी से जाइए ना और पापा को ढूंढ कर लाइए। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, आप हिम्मत रखो। माँ पापा आ जाएंगे ना। बहुत डर लग रहा है, वो कहाँ गए होंगे? पता नहीं। माँ माँ आप शांत हो जाइए, माँ भैया गए है ना, वो पापा को ढूंढ कर जरूर लाएंगे, देख लीजिएगा माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारे पापा ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। वो आएंगे माँ। सॉरी दीपा, मुझे गलत मत समझना, उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। सॉरी की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हें उस दिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें बताया था ना, मैं उस दिन बहुत टेंशन में था। ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम अभी कहाँ जा रहे हो? कल रात से पापा घर नहीं आए हैं। क्या, कहाँ चले गए वो? पता नहीं यार, कल रात से ही गायब है, इसलिए बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही उन्हें तकलीफ पहुँचाई है। तुमने अपने पापा की बात क्यों नहीं मानी? उन्होंने कुछ गलत कहा था क्या? अब देखो तुम्हें कैसे फील हो रहा है। अगर पहले ही उनकी बात मान लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती ना। सही कहा दीपू, अगर मैं उनकी बात मान लेता तो आज वो कहीं नहीं जाते, और इसी वजह से घर वाले भी बहुत टेंशन में हैं। पहले पापा कहाँ हैं उन्हें जाके ढूंढो, फिर तुम्हें अपनी माँ और बहन को भी तो संभालना है ना। उन्हें तो मैं कैसे भी समझा दूंगा, लेकिन पापा कहाँ चले गए उस बात से बहुत टेंशन में हूँ। प्रेम तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा कहीं नहीं गए होंगे, तुमसे परेशान होके यही आसपास ही कहीं घूम रहे होंगे, वो घर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ छोटी प्लीज, आप लोग ऐसे परेशान होकर मत बैठो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत हो गया है, अब तुम चुप हो जाओ, समझे? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे पापा ऐसा कभी नहीं करते। अब मैंने क्या कर दिया माँ? तुम पूछते हो क्या कर दिया, फॉरेन जाने के नाम पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उन सब की वजह मैं हूँ ऐसा बोल रहे हो क्या? पापा की बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता ना भैया। अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे वही करूँगा, फॉरेन नहीं जाऊँगा, आर्मी ज्वाइन कर लूंगा,
अब तो खुश है ना? अब बोलकर क्या फायदा, जब पिताजी ने समझाया था तब मान लेते ना। मैं पापा को समझा देता हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, बस तुम पापा को घर लेकर आओ। ए छोटी, देखो कौन है। ये किसका लेटर है? क्या लिखा है उसमें? अरे माँ, फिजिकल टेस्ट के लिए आर्मी कैंपस से कॉल लेटर आया है। अब पता चला कि तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते हैं। पापा ने तुम लोगों को बिना बताए आर्मी में अप्लाई किया था। सॉरी माँ, मैंने पिताजी की बात नहीं मानी, उससे वो बहुत हर्ट हुए। ठीक है छोड़ो, भगवान ने अब तुम्हें अच्छी बुद्धि दी है ना, इतना ही काफी है। भैया, क्या अब हमें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए? नहीं छोटी, ये घर का मामला है। अगर हम पुलिस में जाएंगे तो पापा भी परेशान होंगे। तुम लोग हिम्मत रखो, मैं पापा का ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है माँ, मैं जाकर आता हूँ। संभल कर जाओ। हाँ, ठीक है। और जल्दी आ जाना पापा को लेकर, ठीक है? जल्दी आना भैया। अरे रुको 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 गुरु रुको। ओहो मजनू, ख्यालों के बाजीगर। भाई तुमसे मिलने ही मैं पुलिस स्टेशन जाने वाला था, लेकिन तुम तो यही मिल गए। अरे चुप रहो गुरु, कल कुछ ज्यादा हो गई थी इसलिए कुछ भी बोल दिया, ऊपर से तुम भी ना। ठीक है, जल्दी बैठो। कहाँ? यार कल रात से पापा घर नहीं लौटे, उन्हें ही ढूंढने जा रहा हूँ। कहाँ गए होंगे? वही तो पता नहीं चल रहा है, चल ढूंढते हैं। चलो। क्या कुछ झगड़ा हो गया क्या? अरे
इसी बात को लेकर मैं बहुत हर्ट हो रहा हूँ यार। अरे छोड़ो यार, ऐसे हर्ट होने का कोई मतलब नहीं। पिताजी कहाँ हैं, चलो ढूंढते हैं। मैं तुम्हारा काल बनकर आऊंगा, तैयार रहना, समझ गए? अरे मुझे लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसके दिल में क्या था मैं समझ नहीं पाया। आजकल के बच्चों के दिल में बहुत सारी आशाएं होती हैं। मुझे अपने बेटे को रोकना नहीं चाहिए था। हाँ,
अरे इस जगह अकेले ही सिद्धा आकर क्यों चला जाता है? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? ठीक से देख लो, विधानसभा तुम्हारा है। अंदर कौन हो सकता है? अंदर से लॉक किया हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद तुम सबकी लाइफ मैं सेटल कर दूंगा। तुम लोगों का, तुम्हारा 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 सबका हिस्सा रेडी है। पूरा काम खत्म होने के बाद इस बेंगलुरु को हम टारगेट करके भस्म कर देंगे, पूरा का पूरा भस्म कर देंगे। मुझे पता था, लेकिन तुम अपनी मातृभूमि से गद्दारी करोगे मुझे पता नहीं था। देखो चंद्रा भाई, मुझे क्या करना है ये मैं खुद देख लूंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी जान की फिक्र करो जो मेरे हाथों में है। ज्यादा खुश मत हो सिद्धा, दिया बुझने से पहले अपनी लौ तेज कर लेता है। उसी तरह तुम भी आज उछल रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने वो ही सब है।
मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोच क्या रहे हो सिद्धा भाई, ये बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है, अभी इसका गला काट कर इसके घर वालों को पार्सल कर दे क्या? बोलो सिद्धा भाई। आप टेंशन मत लीजिए सर, हम इसे एकदम से नहीं मारेंगे, इसे हर रोज तिल तिल करके तड़पाएंगे, फिर उसकी जान लेंगे तो मजा आएगा। देखो सिद्धा भाई, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, हमें अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना भी है। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे खत्म करके निकलना होगा, उसके बाद इसका जो चाहे वो करना। देखो चंद्रा भाई, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ, अपनी सोच बदल लो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, पछतावा भी नहीं कर पाओगे, सही फैसला करना। देखो सिद्धा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मौत की वजह खुद ही बन जाओ। बेटा, अगर हम इस तरह से बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? आप बताओ क्या करूं मैं, उन्हें हर जगह ढूंढा हूँ, हर जगह ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। लेकिन हम चुपचाप बैठ भी तो नहीं सकते। इसी बात को सोचकर माँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूँ? भैया, तभी तो मैंने कहा था हमें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। तुम्हारी बहन जो भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं भी आती हूँ, चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं। हेलो। हेलो प्रेम, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ, क्या हुआ? कुछ बात करनी है, जल्दी से आ जाओ। देखो अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जल्दी से आ जाओ प्रेम। ठीक है, तुम रखो मैं आता हूँ। अच्छा माँ, मैं सबसे पहले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर आता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, संभल कर जाना। क्या हुआ दीपा, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? पापा, तुम्हारे पापा। अरे, ये तो प्रेम के पापा हैं। उन्हें यहाँ क्यों बंद करके रखा है? कौन लोग हो सकते हैं? किसी ने तुम्हारे पापा को अंदर बांध के रखा है। उस कमरे में प्रेम, वहां। कहां है? यहां? पापा, पापा।
पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं बेटा, गलती मेरी ही है। अपना सपना पूरा करने के लिए तुम एमएस करने के लिए फॉरेन चले जाओ। नहीं पापा, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अब मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। ऐसी बात है, तुम सच कह रहे हो? हाँ पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बेटा होने के नाते आपकी ख्वाहिश पूरी करने का मेरा कर्तव्य है, और उसके साथ ही देश की सेवा करना, यही मेरा फर्ज है। ये बात है बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सिद्धा किसी आतंकवादी के साथ मिलकर हमारे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा है, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। चलो बेटा चलते हैं। ठीक है पापा, चलो चलते हैं। देखा ना, यही है टारगेट। कौन हो तुम? चंद्रा भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर, आप ठीक है ना? मैं भी अच्छा हूँ। आपको अभी अर्जेंटली यहाँ पर आना होगा, जल्दी आइए। ये लो बेटी, चल चल चल, छोड़ो मुझे, चल छोड़ो। पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ भैया। पापा। बेटा, देश की सेवा करना भी एक पुण्य का काम होता है। तुमने जो फैसला लिया है उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। देश की सेवा करना अच्छी बात है। जाओ बेटा जाओ। आप चिंता मत कीजिए पापा, आप लोग खुश रहे बस यही ख्वाहिश है मेरी। जरूर बेटा, अपने पापा की ख्वाहिश आज तुमने पूरी कर दी, सब अच्छा हो। निकलू माँ? देखिए, आपकी खुशी के लिए ये आर्मी ज्वाइन कर रहा है, अभी तो इसे खुशी खुशी भेजिए ना। खुशी खुशी ही तो भेज रहा हूँ। ठीक है पापा, अब मुझे निकलना होगा। जाओ बेटा, बहुत खुश। चल जाता हूँ। मैं चलता हूँ, बाय बाय।